नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दो बड़ी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। अपडेट समझ सकते हैं या जानकारी समझ सकते हैं आप दो। एक तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हम जानकारी आपको देने वाले हैं, दूसरी यहां पर अपडेट हम आपको देने वाले हैं 6800 जिसका अभी हाल ही में हाई कोर्ट का आदेश आया है जिससे बहुत सारे छात्रों को नुकसान हुआ है जो इसमें चयनित हुए थे, तो दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 सूची मामले पर। जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक बहुत सारे आपके मन में सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पूरी 67,500 की जो लिस्ट थी वो पूरी चयन सूची रद्द हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें केवल उसे रिन्यू करने का आदेश दिया गया है। 6800 वाली जो चयन सूची है उसे पूरी तरह से रद्द किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की ये भी कमेंट थी कि क्या आप मेरिट डाउन हो सकती है, तो हाँ यहाँ पर जो सामान्य जनरल में जो छात्र आते हैं उनकी मेरिट डाउन होने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। फिलहाल सरकार इस पर क्या कदम उठाती है ये अभी देखने वाली बात है। महानिदेशक सर से जब बात की गई थी तो उन्होंने बताया है कि अभी हाल ही में ऑर्डर आया है, अभी हमारे जो भी अधिवक्ता हैं सरकारी वो उस पर देख रहे हैं, उसे विचार कर रहे हैं, उस चीज़ों को समझ रहे हैं क्या चीज़ किया जाए, तो वो देखिए क्या समझते हैं, क्या आदेश देखते हैं। वैसे ज़्यादा चांस यही है कि सरकार डबल बेंच जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है सिंगल बेंच ने, उसे उसका जो पालन है वो सरकार शायद ही करे। फिलहाल अगर करती है तो क्या करने वाली है हम उसकी भी अपडेट आपको दे देंगे। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में कैबिनेट मीटिंग में हर जगह लिखित में कह दिया है कि हमारे पास जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो पूरी तरह से सही है, ठीक है। उसके बाद भी छात्र जो है शिक्षा मंत्री से मिले थे, उनको ज्ञापन दिया था अभी इसी पिछले सप्ताह में, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है जितने भी कोर्ट मामले हैं वो निपट जाएंगे, फिर यूपी टेट जब हम निकाल देंगे उसके बाद हम विचार करेंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालें, ये उनका जवाब था, ठीक। उसके बाद अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक ट्वीट किया गया जहां पर बताया गया कि जुलाई 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, तो वो पूरी तरह से फर्जी था। किसी कारण से जैसे भी किया गया और ट्वीट वो कुछ देर के लिए था और फिर डिलीट हो गया, तो वो पूरी तरह से फर्जी यहां पर पाया गया है। तो अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 में यही अपडेट निकल कर आ रही है। दोनों में अगले अगर कोई भी नए आदेश आते हैं तो सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा दिया जाएगा आप तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख पाएंगे।